Good morning class, this is your 10th class and today we are going to learn about division. Okay, so first we will talk about what is division. Division, when we share things into one or more groups equally, we call this process division. जब हम किसी चीज को एक या उससे ज्यादा ग्रुप में बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबरी से बांटते हैं, तब हम उसे डिवीजन कहते हैं. ओके, जब हम किसी लार्ज ग्रुप को, मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके, देयर इज 50 स्टूडेंट्स in a class, okay, and we have to divide into हमें 50 students को 5 teams में divide करना, okay, 5 teams बनानी है बराबर की. तो कैसे बनाएंगे हम? Divide करते हैं, okay, बराबरी से जब हम एक बड़े से ग्रुप को कोई एक या उससे ज्यादा ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तब उसे ही डिवीजन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 50 स्टूडेंट्स हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हम 5 का टेबल पढ़े, कितने टीम्स बनेंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे हर टीम में, ये कैसे पता चलेगा? डिवाइड करेंगे. सो वी विल गो टू डिवाइड. तो 50 स्टूडेंट्स हैं, 5 टीम्स में डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 5 का टेबल रीड करेंगे. तो 5 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50. आंसर इज 10, क्योंकि 10 टाइम्स में 50 आया इसलिए, ठीक है ना. सो हर टीम में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 10 स्टूडेंट्स. ओके क्लास, नाउ वी डू एक्सरसाइज 13A. क्वेश्चन इज काउंट एंड डिवाइड. Now, second question.
कंप्लीट द डिवीजन फैक्ट by distributing one as we done for you. First one is complete already 8 carats into the amount 2 rabbits. So 8 divided by 2. So the answer is 4. Okay, now the second one. So your